वाले 25 तारीख को चुनाव है, आप सबको पता है, और हम यहाँ क्यों आए ये भी आपको पता है। बात धर्मसरण जी नहीं कहता, ये है वो है, मैं आपको सीधी सीधी बात कहता हूँ, हम तो 25 तारीख को वोट है, वोट मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका सहयोग लेने के लिए, आपका मत मांगने के लिए आपको जीतना है। मैं इस मंच के माध्यम से आपके सामने अपील करना चाहता हूं, 25 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर के 6 बजे तक शाम को वोट पड़ेंगे, इन वोटों में आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरा जो अलमारी का निशान है, अपना जो बैलेट नंबर है वो 7 नंबर पे है, 7 नंबर याद रखें, ऊपर से 7 नंबर पे निशान है, अलमारी का निशान है, अलमारी के निशान के सामने वाला बटन दबा करके आशीर्वाद दें, सहयोग दें, यही अपील करने के लिए विशेषकर आपके सामने है। ये गांव अपने आप में ऐतिहासिक गांव है, शिव विधानसभा का पहला एमएलए नाथू सिंह जी इसी गांव से आए और इसी गांव के लिए ये इस मौके पर नाथू सिंह जी सम्मान भी रखा है। आप कितने कीमती है मेरे लिए, ये मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मैं व्यक्त कर सकूं, आपको धन्यवाद दे सकूं। मैं छोटे से गांव सैलो का रहने वाला हूं, सैलो आपसे कोई ज्यादा दूर नहीं है, सब लोगों ने लोग देखा होगा, देखा नहीं वो सुना होगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरे पिताजी कोई बहुत बड़े रईस नहीं, कोई जागीरदार नहीं, कोई सेठ नहीं, कोई साहूकार नहीं, कोई खानदान बड़ा नहीं, सामान्य से परिवार, मजदूरी करके खेती बाड़ी करके पेट पालने वाले परिवार से मैं हूं। मैंने पार्टी विशेष कांग्रेस में पिछले 35 साल निकाले, मैंने मेरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज पार्टी को पसंद नहीं आई, वो पार्टी जाने, पार्टी का काम जाने। उसके बाद भी जब मैं फार्म भरने की तैयारी की, फार्म कैसे भरा, कैसे नाम तय हुआ, पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय उदाराम जी ने, तेजाराम जी ने, कमाल साहब ने आपको बता दिया, उस बात को वापस दोहराना नहीं चाहूंगा। रात को 11 बजे तय हुआ कि सुबह फार्म भरना है और सुबह 11 बजे फार्म भरना है। 12 घंटे के अंदर एक छोटे से मैसेज पे जब फार्म भरने में गया तो वहां जो मेरे सहयोग में, मेरे समर्थन में जो लोग आए वो एक ऐतिहासिक रैली थी। बाकी जो मेरे सिवा 8 उम्मीदवार और हैं, उन सबके जो लोग वहां शिव में गए थे अलग अलग तारीख में, सबको मिलाकर के जितनी भीड़ थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ अपने निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन में अभिभूत हो, क्योंकि मैंने पहले बोला एक साधारण से आदमी के लिए, एक छोटे से आदमी के लिए आपका जो आशीर्वाद और प्रेम उमड़ा है, ये मैं मेरे शब्दों में कैसे व्यक्त करूं, ये मैं बार बार सोचता हूं। मैं एक